अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ समझे में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज नाश्ते में दिल कर रहा था रोटी तल के खाने को, रात की रात में रोटी बच गई थी तो मैंने कहा लाओ नाश्ते में तल लूँ। हस्बैंड के लिए स्लाइस सेक लिए थे, अपने लिए रोटी तली थी। नाश्ते से फारिग होकर आज मुझे करना है बहुत अच्छी सी क्लिनिंग घर की, क्योंकि रात को बहुत मट्टी वाली हवा चली है, बहुत तेज़ आंधी आई है मट्टी वाली, तो बहुत घर डस्टी हो गया पूरा। मैं सोच चुकी थी अगर मैं जाग रही होती तो मैं विंडोज़ वगैरह बंद कर दी थी, सारी विंडोज़ ओपन थी, दरवाजे भी खुले हुए थे। जब सुबह उठी हूँ तो बहुत मट्टी वाली डस्टी घर हो रहा था, बहुत ज़्यादा घर डस्टी होना तो मुझे बहुत बेचैनी होती जब तक मैं साफ़ ना कर लूँ। तो बस आज मैंने कहा अच्छी तरह पूरी क्लिनिंग करूँ। बस सबसे पहले मैंने अपनी विंडोज़ साफ़ करी है बेडरूम की। यहाँ से इतनी डस्ट आती है कि पहले दरख्त था तो बचत हो जाती थी, अब वो दरख्त जब से कटा है तो हवा के साथ डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो बस मैंने फ़ैन वगैरह भी साफ़ करे, दीवारें भी साफ़ की, पूरी अच्छी तरह डस्टिंग करी सारी चीज़ों की। आज हम बस काम में मसरूफ़ थी कि हमारी लाइट भी चली गई। आज हमारी लाइट भी काफ़ी लंबी चली गई, बड़ा मसला हो रहा था काम में मुझे, तो गर्मी भी इतनी हो रही थी। हालांकि कहने को मौसम अच्छा हो गया है कि सुबह भी ठंड होती है रात में भी ठंड होती है, लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी होती है। बस अंदर की सारी साफ़ सफाई करके वहाँ पे टेरेस में आ गई थी। रात को इतनी तेज़ हवा चली है कि मेरा गमला भी थोड़ा टूटते टूटते बचा है, तो बस मैंने कहा लाओ आज अपने गमले को भी सही करूँ, मेरे पौधे काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। तो बस की सारी अच्छी तरह मैंने कटिंग वगैरह करी है, इसके सारे खोल के पत्ते ऐसी कटिंग करके इसको अच्छी तरह मैंने साफ़ करा है। टेरेस की भी सारी मैंने दीवारें वगैरह झाड़ी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था दस से। तो आज मुझे पूरा दिन दस क्लीनिंग करने में ही गुजर गया और बहुत थक गई हूँ आज तो मैं। ऊपर से लाइट भी हमारी चली गई, लाइट होती है ना तो सही रहता है, लाइट चली गई तो मुझे और गुस्सा आ रहा था काम करते हुए। घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है। थक तो बहुत गई थी लेकिन ये कि शुक्र है कि सारा अच्छी तरह घर पूरा क्लीन हो गया मेरा, और अब मैंने विंडो भी बंद कर दी। मैंने कहा आज चल रही है हवा, लेकिन इतनी तेज़ तो नहीं, लेकिन चल रही है हवा, डस्ट के साथ चल रही है हवा। टेरिस में काम करते हुए हवा चल रही थी, बाहर तो जरिए कि थोड़ा सुकून मिल गया था, थोड़ी गर्मी कम हो गई थी तो हवा भी अच्छी तेज़ चल रही थी, ठंडी थी हवा तो सुकून मिल गया था। पता नहीं आज हमारी लाइट को क्या हो गया, इतनी लंबी लाइट चली गई, आई 10 मिनट के लिए रुकी फिर चली गई लाइट। मैं कहा लो भाई अब तो और लंबी, अल्लाह ही खैर करे कब आएगी। अंदर आके फिर मैंने बेडरूम की वीडियो मोबाइल की टॉर्च में बना ली थी, लाइट का तो कुछ पता नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र है लेकिन साफ़ सुथरा हो गया, दिल खुश हो जाता है, साफ़ हो जाता है, सुकून मिलता है। बस थकन भी हो गई थी और अब कुछ भूख भी लग रही थी हल्की फुल्की, तो मैंने हस्बैंड से कह के कुछ ले आए चाय के साथ, मैं चाय बना लेती हूँ। चार्जिंग लाइट की भी आखिरी सांसें चल रही थी, मैंने कहा जल्दी से चाय बना लूँ, चाय रख दी मैंने क्योंकि सर में भी दर्द हो गया था, मैं थक भी बहुत गई थी। बस चाय पी के फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, लाइट तो हमारी आई नहीं थी, असर की नमाज़ पढ़ी मैंने, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। पूरा दिन काफ़ी बिजी गुजरा आज का मेरा, खाना भी मुझे बनाना है, अभी खाना बनाया ही नहीं। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आई थी, तो मैंने फिर खिचड़ी बघाड़ दी थी, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा खिचड़ी बना लूँ और शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। आज मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो मेरी अजीब सी आवाज़ हो रही थी, आप लोगों ने फील की होगी मेरी बहुत अजीब सी आवाज़, पता नहीं क्यों थकन की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है गला ख़राब। बस खाना रेडी करके मैंने खाना लगा लिया था, खाना खाते हुए थोड़ा सा टीवी देखा हम लोगों ने, बस फिर मैंने आ गई किचन में, किचन समेटा सारा, किचन समेट के सब अपने लिए बनाई मैंने ग्रीन टी। बस ग्रीन टी लेकर बैठी थी तो मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने,
आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी गुजरा, बहुत थकन वाला टाइम गुजरा आज का। आप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब दें मुझे इजाज़त अपनी दुआ में, मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।